हाँ, सबसे ज्यादा हर्ट करता है किसी के साथ ना रहना, जिसके साथ रहना उतना ही जरूरी था जितना शायद खुद के साथ रहना होता है। लेकिन इससे भी ज्यादा पता है क्या हर्ट करता है? जब हम जानबूझकर खुद को हर्ट करते रहते हैं, और ऐसा एक बार नहीं हजार बार होता है। ये दिल पता नहीं कितनी बार टूटता है, हमें क्यों समझ नहीं आता इतनी आसानी से कि जो तुमसे प्यार नहीं करता, जो चला गया, जो बदल गया, उसके लिए तुम चाहे सारा दिन उसको ऑनलाइन चेक करते रहो, चाहे कितना भी स्टॉक करते रहो, उसको तुम्हारी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो शायद ये सोचता भी ना हो कि तुम उसे बार बार ऑनलाइन चेक कर रहे हो इस उम्मीद में कि वो तुमसे बात कर ले। ये सच है, हम नहीं रोक पाते खुद को, हम बार बार खुद को हर्ट करते रहते हैं सब कुछ जानकर भी। क्योंकि और क्या सच सुनना है तुम्हें जो तुम अभी भी उसका इंतजार कर रहे हो? अरे अगर उसे प्यार होगा ना तुमसे, तब भी जाने दो, वो वापस आएगा अगर तुम्हारा है तो। और अगर वो तुमसे परेशान होके या तुम्हें चीट करके चला गया है ना, तो ऑनलाइन देख के उसको खुद को हर्ट करके वो वापस तो आएगा नहीं। ये दिल ऐसे करके समझ तो जाएगा नहीं, फिर क्यों क्यों हम किसी को ऑनलाइन देख के खुद को हर्ट करते रहते हैं? कभी कभी ना कुछ सवाल रह जाते हैं जिनके जवाब ढूंढते ढूंढते हमें इतना टाइम बीत जाता है ना कि हम समझ नहीं पाते हमारे साथ चल क्या रहा होता है। और बार बार वही समझने की कोशिश में या तो उससे रिक्वेस्ट करके उससे बात करने की कोशिश करेंगे, या उसे ऑनलाइन चेक करेंगे और रोते रहेंगे सिर्फ इस बात के लिए कि अब वो तुम्हारे साथ नहीं है। किसी को ऑनलाइन चेक ही मत करो, क्योंकि वो खुद की इमेजिनेशंस में रहने जैसा ही है। इतने सवालों में गिर जाते हैं ना हम कि फिर वो सवाल भी खुद हमें परेशान करने लगते हैं और हम मूव ऑन नहीं कर पाते। हमें सबसे ज्यादा हर्ट पता है हम खुद ही करते हैं, कुछ चीजों को जब हद से ज्यादा बढ़ने देते हैं। चेक करना है तो खुद को चेक करो ना, किसी को ऑनलाइन चेक करके वो तुमसे इंप्रेस हो तो जाएगा नहीं। और प्यार किस्मत से मिलता है यार, खुद को बर्बाद करके अगर वो तुम्हारे पास आ भी गया तो उसकी भी क्या गारंटी है कि वो तुम्हारे पास ही रह जाएगा। खुद को हर्ट मत करो, क्योंकि शायद तुम ऑलरेडी बहुत हर्ट हो चुके हो।